गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आपके आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे, जो कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर। तो जो पहला है क्वेश्चन है उसमें 20, हमें 20 के फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे फैक्टर्स को मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिले, 20। तो देखिए, हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 20। हमें अच्छे से पता है कि 20 और 1 का मल्टीप्लाई मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका प्रोडक्ट भी क्या है, 20 है। एंड नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20। मैंने वो सारे तरीके ऑलमोस्ट लिख लिए हैं जिनका प्रोडक्ट करने से मुझे 20 मिलता है। तो अब मैं वो नंबर्स लिख रही हूँ जो मुझे क्या बताएंगे, फैक्टर्स बताएंगे 20 के। कैसे, ये जितने भी नंबर मैंने मल्टीपल में लिखे हुए हैं, दैट इज 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर आपके 20 के फैक्टर हैं। क्योंकि इन सभी नंबर्स को एडजस्ट करने या उनका प्रोडक्ट करने में हमें क्या मिल जाता है, 20 मिल जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी का, 36 को भी मैं सारे पॉसिबल वे में लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, पहला तो यही हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 36, सेकेंड इज 2 मल्टीप्लाई बाय 18, नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो सारे पॉसिबल वे जो हैं जिनसे मुझे 36 मिल रहा है, मैंने नोट डाउन कर लिए। तो अब फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 एंड 36। ये सारे वो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं जो कि 36 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17। तो पहला क्वेश्चन 17 ही है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17, फाइंड आउट करने का तरीका 17 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 17, 17 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 34, 17 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 51, 17 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 68 एंड 17 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 85। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट ना क्वेश्चन जो इसका है 23 का, अगर आप फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालोगे तो बस क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 2, 23 मल्टीप्लाई 3, 23 मल्टीप्लाई 4 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 5। आई होप कि आपको मल्टीपल्स निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इवन और ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है। आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि उसमें इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर्स क्या हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डिजिट 2 से डिविजिबल होती हैं या 2 की मल्टीपल होती हैं वो इवन होती हैं, और जो 2 की से डिविजिबल नहीं है या 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो क्या होती हैं, ऑड होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 32। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि ये 2 से डिविजिबल है, तो आप ये यूनिट प्लेस का नंबर देखिए, लिया कीजिए, ये नंबर अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये नंबर यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इट मींस ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए 37, तो ये नंबर ना तो 2 है, ना 0 है, ना 7 है, ना 8 है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे बाकी का, जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है 50, तो इवन यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, नेक्स्ट है 58, अगेन यूनिट प्लेस पर 8 है तो ये नंबर भी इवन हो जाएगा। एंड देन 69, ये प्लेस पर जो नंबर है वो ऑड है तो इट मींस ये ऑड हो जाएगा। इसके बाद 144, अगेन इवन,
321 क्योंकि ये ऑड है तो ये ऑड हो गया, एंड द लास्ट वन इज 253, दिस इज ऑल्सो ऑड क्योंकि ये डिजिट भी 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो ऑड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14. 10 एंड 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है? यानी वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, या तो वो नंबर खुद और दूसरा वन, ठीक है? तो देखो 10 के बाद पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, ऑल द फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स, देखिए क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर लिखना है, ऑल द प्राइम फैक्टर्स बिटवीन 10 एंड 40. तो वो सारे डिजिट्स हम लिखेंगे जो 10 और 40 के बीच में आते हैं और जो कि सिर्फ दो ही फैक्टर रखते हैं, तो वन और दूसरा वो नंबर खुद. तो पहला नंबर तो हो गया 11, उसके बाद नेक्स्ट हो गया 13, देन 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37. ये सारे वो नंबर्स हैं जो 10 और 40 के बीच में आते हैं और जो कि क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वन और ये नंबर खुद. सिमिलरली 80 और 100 के बीच में अगर आप लिखेंगे ऐसे ही, तो 80 और 100 के बीच के वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 83, 89 एंड 97, ठीक है? नेक्स्ट है इसी में 40 एंड 80 के बीच के, 40 एंड 80 के बीच के वो सारे नंबर अगर हम लिखेंगे तो देखिए पहला नंबर 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. ये सारे वो नंबर हैं जो कि 40 और 80 के बीच में आते हैं और जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं. द नेक्स्ट वन इज 30 एंड 40. तो इसके बीच में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं जो कि प्राइम होते हैं, दैट इज 31 एंड 37, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7. आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखना है. तो बेटा हमें आपको पहले भी डिस्कस किया था जब प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताया था कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं. तो इसकी स्टार्टिंग होती है इवन नंबर से, यानी पहला प्राइम नंबर था इवन, दैट इज 2, एंड देन फिर 3, फिर 5, फिर 7. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे क्या कह रहा है, आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखना है. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है? सेकंड वो आपसे क्या कह रहा है, सारे इवन प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, दैट इज 2. और अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कह रहा है तो वो क्या है, 3, ठीक है? यानी आपको मिल गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपको 4 नंबर दे रहा है आपको, 87, 89, 63 एंड 91. आपको ये देखना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है. देखिए 87 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो हो जाएगा, ठीक है? कैसे, ये देखिए 87 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6 एंड 2 रिमाइंडर बचा एंड 3 9 जा 27. तो ये 29 टाइम्स चला गया, तो ये तो प्राइम नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद. 89 आपका प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ एक ही दो ही फैक्टर है, वन और 89. 63 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 91 13 से डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो आपको क्या पता चला कि सिर्फ 89 वो नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 7 ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है. तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 90, 91, 92, 93, 94,
95 एंड 96 ये वो नंबर है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 90 से पहले 89 ये प्राइम है और इसके बाद ये 97 ये भी प्राइम है। ठीक है, बीच के ये सातों नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे यहाँ कह रहा है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। क्या ऐसा कोई काउंटिंग नंबर है जिसका एक भी फैक्टर ना हो? तो बेटा ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं होता है। अगर हम वन की बात करें तो वन का भी एक फैक्टर होता है जो कि खुद वन है। ठीक है, सेकेंड है फाइंड ऑल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर। सारे वो नंबर आपको बताने जिसका एक ही फैक्टर है, तो उसे वन ही है जिसका एक ही फैक्टर होता है। नेक्स्ट है फाइंड नंबर्स बिटवीन वन एंड हंड्रेड हैविंग एग्जैक्टली थ्री फैक्टर। आपको ऐसा नंबर लिखने हैं एक से लेकर के सौ के बीच में, यानी वन और हंड्रेड के बीच में, जिसके सिर्फ तीन ही फैक्टर हो। तो पहला पेयर तो बेटा आपका हो गया टू फोर का। फोर के तीन फैक्टर होते हैं, वन टू एंड फोर। दूसरा हो गया नाइन, इसके भी तीन फैक्टर, वन थ्री एंड नाइन। एंड तीसरा है 49, इसके भी तीन फैक्टर होते हैं, 1, 7 एंड 49। इसके अलावा 1 to 100 और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके सिर्फ तीन ही फैक्टर हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो डिजिट दी हुई है उनको ब्रेक करना है ऑड प्राइम के सम में, यानी आपको दो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका की सम क्या हो, ऑड हो, या जिनको आप प्लस करें। ऑड नंबर्स को आपको लिखना है, दो ऑड नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका सम आपका क्या आ जाए, 36 आ जाए। ठीक है, तो आप पहले सोचेंगे, पेयर्स बना बना कर देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से इसका जो सम है वो ऑड आता है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट नंबर 17 ले रही हूँ, ठीक है, अब 17 में मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे ऑड नंबर मिल जाए? तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं 36 में से 17 माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो 36 में से 17 माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 19। ठीक है, 19 प्लस 17 जो है वो 36 होता है। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया, लेकिन आपसे पूछा एक ही है तो आप इसको यही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप और कोशिश कर निकाल सकते हैं। आप सारे प्राइम नंबर्स को एडजस्ट कर देख सकते हैं कि उनका सम जो है वो 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यूज सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही करना है। तो आप इस तरीके से लिख कर देख सकते हैं कि इनका जो सम है वो 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और एक पेयर हो सकता है, दैट इज 7 plus 29, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है एंड 29 भी प्राइम नंबर है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे 36 मिलता है जो कि प्राइम नंबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का 42 है। अब मुझे 42 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि इसका सम जो है वो क्या आ जाए, एक प्राइम इसका प्राइम नंबर में ब्रेक करना है जिसका कि सम क्या हो, 42 हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी सोच सकते हैं, हमें पता है 11 प्राइम नंबर है, अगर मैं 42 में से 11 को माइनस करूं तो मुझे मिलेगा 1 and 31। तो हमें पता चल गया कि 11 plus 31 दैट इज 42। ठीक है, आप और भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, बाकी के आप खुद से करके देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या करना है, इसमें थ्री नंबर्स को मैं इनको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है कि इनका सम जो है वो 31 आए, यानी 31 को मुझे ब्रेक करना है तीन प्राइम नंबर्स में ताकि उनका जो सम है वो क्या हो जाए, 31 हो जाए। तो देखिए 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और इसमें मैं क्या प्लस करूं, 5 एंड 7 क्या हो गया बेटा, 7 और 12 हो गया, 31 minus 12। ठीक है, 11 में से 2 गया 9 एंड 2 में से 1 19, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू 31। तो ये मुझे मिल गए तीन प्राइम नंबर्स के पेयर जिनका की सम 31 है। सिमिलरली अगर 35 है आप इसको ब्रेक करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला प्राइम नंबर 23 ले लिया है, ठीक है, तो मैं 35 में से
23 को माइनस करके देख लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 एंड 1, 12. अब 12 को मुझे प्राइम नंबर में ही ब्रेक करना है तो 5 प्लस 7 देन दिस इज इक्वल टू 35. बाकी के बेटा इसके भी आप अपने आप करके खुद से देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम. इनको ट्विन प्राइम में आपको लिखना है. 36 है फर्स्ट क्वेश्चन. ट्विन प्राइम बेटा पहले आपको याद होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या है. वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 हो, ठीक है, या वो एग्जैक्ट सॉरी वो नंबर्स जिनके बीच में गैपिंग ना हो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर्स हो. जैसे ये नंबर थे ना आपके 3, 5, ये ट्विन प्राइम थे क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन था, 4. इवन नंबर इनके बीच में था, दैट इज 4. ऐसे ही 5 और 7 के बीच में एक ही इवन नंबर था, 6. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या है, ट्विन प्राइम के पेयर है. इसके बाद 7 और 11 आता है, लेकिन 7 और 11 को हम ट्विन प्राइम नहीं कहते क्योंकि इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, 8, 9 एंड 10, यानी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है. तो ऐसे नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं. तो हमें 36 को ऐसे ही नंबर में ब्रेक करना है. तो दैट इज 35 को अगर हम ऐसे ट्विन प्राइम पेयर्स में ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 36 को. नेक्स्ट है 84. 84 को अगर हम ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 प्लस 43. ठीक है, इसके बाद आपका 120 है. 120 को अगर ब्रेक करेंगे तो दिस इज 59 प्लस 61. ठीक, एक और रह गया है, लास्ट वन इज 144 इक्वल टू 71 प्लस 73. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा है. फर्स्ट है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो 1 तो ना कंपोजिट होता है ना प्राइम, इसके ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स. सेकंड है, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड. अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो ऑड होना चाहिए, ये कंपल्सरी कह रहा है कंडीशन. तो हमें पता है कि 2 इवन नंबर है तो ये भी फॉल्स और 2 प्राइम भी होता है. थर्ड है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर. 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम होता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और इनको मैं प्लस कर रही हूँ तो 8 आता है. ये तो प्राइम नंबर नहीं है, इट मींस क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. नेक्स्ट है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर. अगर कोई 2 नंबर को प्राइम है तो इसमें ये नेसेसरी कंडीशन दे रहा है कि आपका जो सम है वो भी उनमें से एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपको बताया था कि 8 और 9 जो है दोनों नंबर जो है वो को प्राइम है. कैसे, कि 8 का फैक्टर तो हो गया आपका 1, 2, 4 एंड 8, 9 का फैक्टर हो गया 1, 3 एंड 9. तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो. तो ये दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है तो ये दोनों को प्राइम है. लेकिन ना तो 8 प्राइम नंबर है और ना ही 9 प्राइम नंबर है. इट मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर आप कोई दो नंबर को प्राइम कह रहे हैं तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी कि दोनों में से एटलीस्ट एक तो प्राइम हो. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक प्राइम हो. अगर एक प्राइम नहीं भी होगा तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका को प्राइम नंबर हो सकता है. यानी अगर दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है तो भी आपको को प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं. यहाँ ये एक्सरसाइज 2 आपकी कंप्लीट है. थैंक यू.